महोदय, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के परिवर्तित अनुमानित बजट पर बोलने के लिए मौका दिया। दो तीन दिन से लगातार ये सुन रहे हैं और आपने भी भाषण में कहा था कि जो गुंडागर्दी करते थे, भू माफिया थे, शराब माफिया थे, सबको ख़त्म कर दिया। तो मैंने जाके गाँव में देखा तो एक भी मरा हुआ नहीं मिला, क्योंकि आपने कह दिया सबको ख़त्म कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 31वां बजट पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ 31वां। आज तक जिस भी सरकार ने चाहिए, सरकार ने क्या कहा था, उस सरकार ने इम्प्लीमेंट करने में 33% से ऊपर नहीं पहुँचे। और आपके पास तो केवल महीने ही चार हैं, आप कहाँ से इम्प्लीमेंट करोगे? आपने गुड गवर्नेंस के बारे में तो धारीवाल साहब ने बता दिया, 9 पॉइंट मेरे पास हैं। आप ये बताना चाहेंगे कि अभी कुछ देर पहले भाषण हो रहे थे कि पानी का बजट, बिजली का बजट, सड़क का, अभी तक तो 6 महीने में एक लोटा पानी का पिलाया नहीं, बातें करने से पेट भरता नहीं, और अधिकारी तुम्हारी बात मानते नहीं, तहसीलदार की पटवारी नहीं मानता, पटवारी की तहसीलदार नहीं मानता, कलेक्टर की एसडीएम नहीं मानता। इतना मैंने मेरी लाइफ के 44 साल की राजनीति में इतना मुर्दा राज मैंने आज तक नहीं देखा, जिसकी कलेक्टर की एसडीएम नहीं माने, कलेक्टर की एडीएम नहीं माने, और कलेक्टर खुद इस बात को एक्सेप्ट करे कि भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। तो आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर डूइंग? बोले हम क्या करें। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, किसी के दिमाग में श्रवण कुमार भाषण देने के लिए खड़ा ना हो, पीड़ पर्वत से भारी होगी एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा मचाना नहीं है, मेरा मकसद है राजस्थान की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ये पीड़ा आज आपको भी लगेगी, परसों आप इधर बैठे थे और ये लोग इधर बैठे थे, आज यहाँ हम इधर बैठे हैं, आप उधर बैठे हो। अभी सड़कों की बात आती है, चाहे पानी की बात आए, चाहे बिजली की बात आए, चाहे ग्रामीण विकास की बात आए, आज 6 महीने में पंचायती राज का एक किस्त भी आपने भेजी नहीं, जी पंचायत समिति में एक किस्त भेजी नहीं, जिला परिषद के कोटे में आपने कटौती कर दी। आपने एक बात बताओ, जब गाँव का विकास आपको करना चाहिए था उस पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अब भी शहरों का विकास ही कर रहे हो। शहरों का विकास करना है, शहरों का विकास तो अंग्रेजों के टाइम में हो गया था, लेकिन गाँव के अंदर आज जो गंदगी, जो पानी के लिए त्रस्त है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पानी के आज हालात ये हैं, गांव में ईमानदारी की बात अब मन से कह रहा हूँ, गांव में पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। माने सभापति महोदय, आपके तो कोटा में हो सकता है कि पानी की कमी नहीं होगी, पर हमारे पानी की भी बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे कुंभा लिफ्ट योजना का 7,583 करोड़ रुपये मंजूर किए और उनका टेंडर भी हो गया, और टेंडर होने के बाद में जब सरकार आई तो समीक्षा में कहा टेंडर का पैसा ज़्यादा है, जो ठेकेदार ने पैसा दिया टेंडर का उसका ज्यादा है, तो वो कैंसिल कर दिया। एक सेकंड, माननीय सदस्य, दोनों पुराने वरिष्ठ सदस्य क्या पुरानी बातें याद कर रहे हैं या नई बातों पर चर्चा चल रही? दोनों क्या, ये वरिष्ठ सदस्य दोनों पुराने हैं तो कोई खास बात नहीं है, पुरानी बातें याद कर रहे। आज उनका टेंडर कैंसिल कर दिए। जब हमने सेक्रेटरी को कहा तो सेक्रेटरी ने कहा कि टेंडर बहुत महंगे थे, पुरानी बातें याद कर रहे। तो मैंने कहा महंगे थे तो कम करके लगा दो ना, हम कब कह रहे हैं उस ठेकेदार को आप राजस्थान का धन लुटवा दो, लेकिन आज तक वो टेंडर नहीं लगा है। मैंने कल भी सेक्रेटरी से बात किया, सेक्रेटरी कह रहा है कि पीएचडी मंत्री से बात करेंगे। पानी जैसी महत्व द्रव्य के लिए आप मंत्री से क्या बात करो, तो प्रत्येक व्यक्ति को राज किसी का भी हो, सेवाएं आपको देनी है। ये तो इधर बैठे हम तो आपकी बुराई करेंगे, भलाई करेंगे, जो भी करेंगे, पर आपको राजस्थान की परवरिश तो आपको करनी है। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी के जो 7,583 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे, उनका टेंडर लगाया जाए और पानी 2 साल के अंदर कम से कम गांव के लोगों को पानी पिलाने की इच्छा रखें। ये मेरा नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2, पंचायतों के अंदर किस्त नहीं आई आज तक, और न पंचायत समितियों गई है, न जिला परिषद में गई है। मैं चाहूँगा कि
पंचायतों का छोटा मोटा काम करने के लिए गांव में सरपंचों के पास पैसा होता है। आज की तारीख में कोई पंचायत में एक पैसा भी नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार आने के बाद बातें करते हो। आपके पास बजट का है, एमएलए का बजट, एमएलए का बिल था सीधा ट्रेजरी जाता था। अब आपको मालूम है आपका बिल है ना, यात्रा का बिल है, वो भी आपका पहले फाइनेंस में जाता है और फाइनेंस वहाँ से स्वीकृति करती है, तब आपका बिल ट्रेजरी में आता है। पैसा एक नहीं है, बातें करते अभी खड़े होकर भाषण करने पेट भर जाएगा क्या? और आप बड़े उत्तेजित हो रहे हो, मत कर अपनी बुलंदियों पर तारमान। मैंने आसमान से जमीन सितारों को टूटते जमीन पर गिरते देखा है। मत कर अपनी बुलंदियों पर तारमान, मैंने आसमान से जमीन पर सितारों को टूटते नजर देखा है। जो सुबह से शाम तक भिखारियों को भीख देते थे, उनको 8 बजे मैंने भीख मांगते हुए देखा है। जो लोग अपने नाम से सूर्य उगाते थे और अपने नाम से सूर्य को छिपा देते थे और समुद्र को सुखा देते थे, उनको अर्थी पे जाते हुए देखा है। जो शेरशाह सूरी जी ने ग्रांड रोड बनाई थी, उसकी छठी पीढ़ी को मैंने स्टेशन पर रिक्शा चलाते हुए देखा। कहाँ अंधेरे में हो, कोई नहीं रहेगा, एक बार आओगे दूसरी बार हार जाओगे, 10 साल के बाद फिर तुम्हारा नंबर पड़ेगा। जब तक हो तब तक जनता की सेवा की। जनता ने आपको इसलिए भेजा है कि आपको मैंडेट इसलिए दिया, जनता ने आपको मैंडेट इसलिए दिया है। बात सुनने की क्षमता रखो। बीच में हाथ क्या कर रहे हो, सिनेमा हॉल है क्या ये? सिनेमा हॉल है क्या ये? सिनेमा हॉल है क्या? ट्रेसर बना रखा है क्या? आते हुए खड़े हो जाते। एक तो सुबह देखा मैंने, कितने सीनियर मंत्री बोल रहा था, धारीवाल जी उसके सामने खड़ा था, कहीं मैंने मानवता तो रखो ना, चीर चीर करती सारी विधानसभाओं को। धारीवाल जी अब मंत्री थोड़ी है, अब तो नहीं, लेकिन मंत्री का आज भी दर्जा हमको दे रखा है। बोलो पूर्व मंत्री। आज आप जो छोटे हैं ना, छोटे तो नहीं ना? नहीं, अरे बहुत वरिष्ठ हो तुम। हाँ तो यहाँ साल के जब हम इज्जत करते हैं, सीनियरों की इज्जत करना सीखो। इसलिए मैं कह रहा था कि बिजली की बात आती है, बिजली कहते हैं कि बिजली का बहुत बड़ा उपकरण लाएंगे और बिजली का राजस्थान में हम दिन में बिजली दें किसानों को, बड़ी खुशी की बात है। अगर आप काम करोगे तो मना कौन करेगा? अगर आप काम करोगे तो मना कौन करेगा? हमारे जसवंत जी बैरोड चाड़े वाले भी मंत्री थे और हवा में उड़ते थे, मैंने उनको कहा भी था हवा मत उड़ो। श्री अंशुमान भट्टी, क्या हो गया? समय समाप्त हो गया, बोलना शुरू किया समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया क्या? मैंने 10 मिनट क्या सभापति साहब, थोड़ा बहुत दल ने आपको 8 मिनट का समय दिया है, मैंने 10 मिनट तक बुलवाया, मेरे को 2 मिनट का और दे दो आप। ऐसे थोड़ी होता है, तो मांग ही तो रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ मैं, ये कहना चाहता था सिंह भाटी बिजली की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सभापति महोदय बैठो बैठो बैठो, सुन लिया, मंत्री नहीं बढ़ाएंगे, कितना भी समझा के नहीं करो, नहीं बढ़ाएंगे। 2024-25 पर विचार रखने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, इस बार का बजट सही मायने में बोल लिया आप, ऐतिहासिक व अद्वितीय बजट है। बजट के प्रावधानों में हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की